गाइस इस वाले साइड ना बाघ घुरा रहा है, यानी कि घूम 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 कर रहा है दांत। क्या हाल है दादू? अरे बुरा हाल थे। दादू के बुरे हाल। क्या बात है, कितना भारी हो रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों से। तो दोस्तों अभी मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है जंगलों से। तो मैं यहाँ अपनी गाय और बैलों को छोड़ने के लिए आ रखा था, और आज तो गाय बैल पहले ही आ गई, लेकिन मेरी गाय पीछे रह गई थी जो कि ये वाली रही। तो ये भी चली जाएंगी, यहाँ यहीं तक छोड़ना था मैंने इनको। और अभी मैं जाऊँगा टॉप धार में, जहाँ से मेरा गाँव क्लियर दिखाई देता है। और परसों की वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कहाँ जा रहे थे, तो हम इस वाले टॉप धार में जा रहे थे। यहाँ जो वाली रियो वाले रोड है ना, यहाँ से पैदल रास्ता है पूरा का पूरा यहाँ तक। तो वहाँ तो काफ़ी अच्छा वाला मौसम है, और सुबह के टाइम देखोगे ना वहाँ से आप एकदम स्वर्ग लगता है। नीचे नीचे बादल और ऊपर आप। तो कभी जाएंगे हम वहाँ कैंपिंग करने के लिए, देखते हैं। एक तो यहाँ भालू का डर है ना, तब नहीं जा रहे हम, लेकिन देखते हैं गर्मियों के टाइम पे ज़रूर जाएंगे। और गाइस इस वाले साइड ना बाघ घुरा रहा है, यानी कि घूम 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 कर रहा है इस वाले साइड, यानी कि एक कल भी कर रहा था, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाएगा, काफ़ी दूर हुआ है वो। आ रही यहाँ तक आवाज़ आ रही है, सुनो यहाँ आ रही ना हल्की हल्की सी आवाज़, यानी कि यहाँ बाघ का डर भी है, भालू का भी है। बस दो ही चीज़ों का है, बाकी कुछ चीज़ का डर नहीं है इधर। तो आ गया हूँ मैं इस वाले तप्पड़ में। वाह एकदम खुला खुला सा लग रहा है इस वाली जगह पे। बस थोड़ा सा इसी वाली जगह पे थोड़ा सा खुला लगता है, बाकी सब जगह झाड़ियाँ झाड़ियाँ और की हैं। और अभी मौसम देखो, नीचे का भी मस्त हो रखा है, इधर भी मस्त हो रखा है, और यहाँ से मेरा गाँव दिखता है बिल्कुल क्लियर। बात है यहाँ से मेरा गांव बिल्कुल खुला खुला दिख रहा है, यानी कि मस्त दिख रहा है यहाँ से। और हर किसी गांव के टॉप धार होते हैं जहाँ से उनका गांव दिखाई देता है। और मेरे गांव से तो यही वाले धार है, और एक नीचे वाले धार है जहाँ से मेरा गांव बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। बस बाकी तो गाँव से तो गाँव दिखेगा, गाँव में जाऊँगा। तो चलिए अभी निकलते हैं घर की तरफ। और जो इस वाले जगह पर मैं खड़ा हो रखा हूँ, यहाँ पर बोलते हैं लाल माटी। तो लाल माटी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर लाल माटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी है। और ये लाल मिट्टी अब हमारे पहाड़ों के जो मकान होते हैं पत्थर वाले, तो उनको लिपाई पोताई करने के लिए काम आती है ये वाली मिट्टी, यानी कि ये लाल माटी। इसलिए यहाँ पे लाल माटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाल मिट्टी है, तो लोगों ने यहाँ का नाम ही रख दिया लाल माटी। क्या बात है, उस वाले साइड तो क्या मस्त धूप लगी हुई है, और जहाँ मैं खड़ा हो रखा यहाँ तो बिल्कुल ठंडा वाला मौसम हो गया है। और ये वाली चीज़ देखने में एकदम मस्त लगती है। और इस वाली जगह पर देखो सफ़ेद वाले पत्थर हैं, ये पूरे के पूरे सफ़ेद सफ़ेद है, पूरे के पूरे देखो वाइट, यहाँ देखो चूना टाइप का है। तो हाल फिलहाल यहाँ का नाम तो सफ़ेदी नहीं रखा गया है, क्या पता रख दे, सफ़ेदी ही बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद वो है पत्थर हैं। यहाँ देखो बिल्कुल सफ़ेद है, कहीं पे लाल, कहीं पे पीला, कहीं पे सफ़ेद है। यहाँ तो अन्य प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिल जाएंगी पहाड़ों में। देखो अभी बकरी भी आ गई है, और ये है बकरी के बच्चे। ले चीचू चीचू, ले 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 इधर। इसके यहाँ देखो घंटियाँ लगी हुई हैं दो, या नीचे देखो ले चीचू। तो अभी मुझे डालना है खेतों में पानी, और ये वाला नल यहीं से डाल रहा मैं चाची लोगों के वहाँ से। तो मेरे घर में पानी नहीं आ रहा था, मैंने कहा नीचे से ही डालते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः क्यारियाँ बना रखी हैं, इसमें डालना है मैंने पानी। और यहाँ पे मैंने पत्ता रखा हुआ है ताकि नीचे मिट्टी कटे नहीं पानी की वजह से, क्योंकि ऐसे में नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो ऐसे में पत्थर में सही रहता है। क्या बात है, पॉल हाउस के अंदर इतनी गर्मी। और अभी मैंने टोपी निकाल दी, बालों के बुरे हाल हो गए हैं, क्योंकि उस वाले साइड ठंड थी। तो मैंने अभी टोपी उतार दी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। यहाँ पर हमने हरी सब्ज़ी लगा रखी है, और हरी सब्ज़ी के साथ ही हम घास भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो हरी सब्ज़ी कम और घास ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा है हमारा पॉल हाउस। अभी इन वाली क्यारियों में पानी डाल लिया है, और ये वाली बजरी की एक, तो इसको भी डालते हैं फटाफट से। तो दोस्तों मैंने पानी भी डाल लिया, और जैसे मैं यहाँ पर आया और चाची वहाँ सही किया,
एक बकरीवाल बाघ ने मार दी, तो उसी साइड मारी जहाँ मैं नहीं जा रहा था सुबह। तो वहाँ बाघ, मैंने कहा कि बाघ घुरा रहा है, तो उस टाइम तो हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा यहाँ तक नहीं आएगा। देखो उस बाघ ने बकरी को मार लिया, यहाँ बकरी उन्होंने यहाँ अंधा रखी हुई है, यहाँ देखो अबे यहाँ यहाँ छुपा रखे हैं उसके दांत। और जो ये बकरी है ना, इसको तो पहले बाघ ले जाने वाला था, तब तक जो नीचे के गांव के चाचे हैं तो उन्होंने पत्थर मारे बाघ पे और हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद बाघ भाग गया था, इसको वहीं पे छोड़ दिया। तो इसको अभी घर लेके आ गए। अभी देखो नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया ना, एक दो साथ उन्होंने पाल रखा था, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। इसे भी आपको मेरे कंधे में ये दिख रहा होगा, यानी कि सिलेंडर। अभी सिलेंडर की गाड़ी आ रखी है, तो ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि गाड़ी कब आती है और कब चली जाती है। तो किसी को कॉल किया कि रुक जाओ कि हम भी आ रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैंने उधर कॉल कर लिया कि उनको कहना कि रुक जाना थोड़ा सा कि एक और आ रहा है। तो कॉल किया मैंने, उन्होंने कहा कि हम वेट कर रहे हैं। चलिए ये भी अच्छी बात हो गई। तो बड़ी मुश्किल से अभी मैंने सिलेंडर भरवा लिया है, और मैंने जिसको कॉल किया था वो ड्राइवर कह रहे थे कि उसने बोला ही नहीं, वो तो मतलब जाने वाले थे, और मैंने वहाँ से सीटी मार ली थी कि रुक जा भाई। सीटी पता नहीं, हमारे पहाड़ों की आदत ही है सीटी मारने की, कुछ भी बात पे सीटी मार लेते कि रुक जा भाई, मतलब संकेत देते उनको कि हम आ रहे हैं, तो वो रुक गए थे। बाबा बहुत भगाया इन्होंने मेरे को आज। क्या बात है, कितना भारी हो रहा है ये। ओह रास्ता देखो क्या चढ़ाई वाला है। तेरे को मैंने कुछ काम बोला था, ट्रक वाले को रोकने के लिए बोला था, ये कह रहा ये काम है मेरा। क्या बात, और अपने दादू आ गए यहाँ। क्या हाल है दादू? अरे बुरा हाल थे दादू के, बुरे हाल। कुछ कुछ ऐसे यानी कि पाइप लाइन लगा रहे दादाजी। बढ़िया दोस्तों, अभी आ गए हैं रोड पे घूमने के लिए, और सुबह से बिजी डे चल रहा था आज पूरा का पूरा, तभी मैंने कहा थोड़ा घूम फिर के आते हैं। क्या बात है, पहाड़ों का मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, और ये रहा हमारा निशनी गाँव। और परसों इसी वाले मंदिर में पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, यानी कि ये वाली मंदिर थी वो जो कि इस वाले साइड बन रखी है। ये वाली मंदिर है, ये गांव वालों की किसी की मतलब पर्सनल मंदिर है, जिसकी पर्सनल मंदिर होती है वो अपनी पूजा करते हैं, लेकिन वो गांव की पूजा नहीं थी जो कल थी, वो मतलब उनकी थी अपनी पूजा ही, मतलब सूर्य भारों की। चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं घर की तरफ, और वहाँ भी काफ़ी ठंडा वाला मौसम हो गया है, और भाई लोग यहाँ बना रहे हैं चंद्रबदनी जाने का प्लानिंग। चलो बस चंद्रबदनी गाड़ी बुक करो और चंद्रबदनी चलते हैं। तो देखो तब वही है ना, जहाँ पर भगवान बुलाते हैं आदमी वहीं जाते हैं। चले इनकी मनोकामना भी पूरी हो, और मैं भी चले जाऊँ क्या पता। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे, और अभी खाना पीना खा के हो रही है सोने की तैयारी, और यहाँ पे सच्चू भाई है हमारे साथ, और एक भाई और हिमू भाई, थोड़ा शकल दिखा दे यार, और तो हिमू भाई भी हमारे साथ रहते हैं, हम तीनों भाई यहाँ साथ रहते हैं इस वाली कुटिया में है। गुड़मुंडी मतलब बहुत ठंड लग रही है, हिमू भाई को ठंड लग रही है ऐसा लग रहा है, और हम तीनों के तीनों भाई ये रहते इस वाले रूम पे। ओके गुड नाइट बाय। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहे जय भारत जय उत्तराखंड।